आज हम बात करने वाले हैं डीबी कॉर्प लिमिटेड शेयर की, जिसका बिजनेस दिखाई दे जाता है न्यूज़पेपर का। ये कंपनी न्यूज़पेपर पब्लिश करती है, ब्रॉडकास्टिंग करती हुई नजर आ जाती है। तो हम बेसिक सेक्टर की बात करें तो एंटरटेनमेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। ये कंपनी मॉडरेट देखने को मिल जाती है, जिसमें कंपनी की कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें खराब भी देखने को मिल जाती है। हालांकि देखो एंटरटेनमेंट सेक्टर है तो थोड़ा रिस्की सेक्टर यहाँ पर ये हो सकता है। कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें जो टेक्निकली रहने वाला है, तो लगभग जो है कंपनी 400 प्लस तक का रेट टच कर चुकी है और अभी के टाइम पर 120 तक का रेट दिखाई दे जाता है। तो हम ये कह सकते हैं गिरावट तो कंपनी के अंदर बनी हुई है। तो हम ये देखने वाले हैं कि कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर कैसा मोमेंटम बन सकता है, कैसे इस कंपनी के टेक्निकल चले हुए हैं। हालांकि जो तेजी है लगभग 70 रुपये से देखने को मिल रही है, लगातार 120 तक शेयर भाग चुका है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि मोमेंटम बना है शेयर के अंदर। लेकिन आज के दिन पर जो 3% तक की गिरावट आई है, उसकी वजह से कहां तक मार्केट सस्टेन कर सकती है, कहां तक गिर सकती है, वो चीज़ें हम चेकआउट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हो शॉक मार्केट गाइडलाइंस चैनल। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। कंपनी के करंट टेक्निकल को एनालाइज करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि तेजी किस तरीके से बनी है शेयर के अंदर। तो लगभग देखोगे जो गोल्डन क्रॉस बना था शेयर के अंदर, लगभग 105 के लेवल पे बना था। तो 105 से 126 तक का लेवल दिखाई दे जाता है। आज लगभग 3% तक की गिरावट बनी है और इस गिरावट ने अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। लो की अगर बात करें शेयर की, तो लगभग 70 तक का देखने को मिल जाता है, यानी 70 रुपये से पहले शेयर ने इंक्रीमेंट करना शुरू किया था और लगभग 150 तक गया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ, और 100% की ग्रोथ देने के बाद शेयर में थोड़ी बहुत हमको रीटेस्टिंग या फिर हम इसको सपोर्ट कह सकते हैं कि सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाता है शेयर। नॉर्मल सी बात है, जब इतनी तेज भागेगा तो कभी ना कभी तो किसी न किसी पॉइंट पर सपोर्ट लेगा ही लेगा, जो कि इसका लगभग सपोर्ट 105 और 110 तक के लेवल पे दिखाई दे जाता है। तो हम ये कह सकते हैं 110 5 तक के लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद शेयर में तेजी बन जाती है। अगर आप थोड़ा प्रीवियस मोमेंटम को एनालाइज करोगे शेयर के, तो आप यहाँ पर देखोगे लगातार जो शेयर है लोअर लो मेंटेन करता हुआ आया है कुछ प्रीवियस मोमेंटम के हिसाब से। जैसे कि अगर बात करें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6 पॉइंट कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हमेशा शेयर ने लोअर लो मेंटेन किया है और इस लो को मेंटेन करने के बाद शेयर में तेजी बनती हुई नजर आ जाती है। अब इस मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि बार बार कंपनी ने जब लोअर लो मेंटेन किया था उसके बाद अगेन किया कि नहीं किया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। 70 तक का जो लेवल है वो टच करने के बाद फिर नेक्स्ट जो डिप देखने को लगा मार्केट के अंदर, वो ऑलमोस्ट बना 100 के लेवल पे, 105 के लेवल पे। तो हम ये कह सकते हैं 70 का मोमेंटम पहले ट्रैक किया था, ऑलमोस्ट 70 का, फिर उसके बाद 105 तक का लेवल, तो ये पहला लो रह जाएगा, फिर इसका दूसरा लो रह जाएगा। इस पर हम यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, जिसकी मदद से हमें ये पता लग जाएगा कि कंपनी जो ट्रेड लाइन है अगर वो काम करती है आने वाले समय के अंदर तो ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर जाता है शेयर तो गिरावट बनने वाली है। या तो नई ट्रेड लाइन बनाए शेयर वो तो ठीक है, अगर नहीं बना पाता है और इसी को टच करके नीचे गिरता हुआ नजर आ जाता है तो गिरावट के चांसेस बनने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने जो मोमेंटम ड्रॉ किया है वो काफ़ी पोटेंशियल वाला रहने वाला है। अब आपको समझना है कि ये गिरावट कैसे बन सकती है। सबसे पहले ये देखो कि जो आज शेयर में गिरावट आई है उसने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक कर दिया लो को, ठीक है, ये ठीक है, नॉर्मल बात है। अगर इसके मूविंग एवरेज को देखा जाए तो 118.9 का चला हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है शेयर का। तो अगर ये शेयर गिरता भी है तो 126 से टच करके 118 के लेवल पे आएगा और 118 के लेवल पे थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद तेजी बना लेगा और अपने दोबारा हाई को ब्रेक कर सकता है, जो कि इसका लेटेस्ट हाई है लगभग, ऑलमोस्ट ट्रैक करते चलो इस चीज़ को भी, जो कि ऑलमोस्ट इसका 135 तक का रहने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं 118 को टच करेगा और 135 को जंप करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और ये शेयर अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है, जो कि इसका सपोर्ट रहने वाला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि ऑलमोस्ट रहेगा इस वाले पॉइंट पर 113 का इसका सपोर्ट रहने वाला है, अगर ये ब्रेक होता है तो शेयर में गिरावट रहेगी। फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा, यानी नेक्स्ट जो एक्टिव पॉइंट रहने वाला है जहाँ पर बायर्स रेडी है शेयर को बाय करने के लिए, वो ऑलमोस्ट रहने वाला है इस वाले पॉइंट पर, ऑलमोस्ट कहते हैं 104 105 तक का लेवल। तो बेसिक पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखने के, शेयर में अगर गिरावट बनती हुई है, देखो काफ़ी तेजी से भाग चुका है शेयर, 100% ग्रोथ एक साथ से दे चुका है, अभी थोड़ा सा हमें सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर शेयर 113 के रेट पर आता है बाई चांस ऐसा होता है और 113 के रेट को टच करने के बाद गिरावट बनती है, तो 104 तक का लेवल आराम से इस कंपनी के द्वारा आपको देखने को मिलने वाला है और उसके बाद ये शेयर गिर सकता है। देखो मैं आपको बेसिक पॉइंट समझाता हूँ, रीज़न क्या होने वाला है, क्योंकि जो ये लोअर हाई मेंटेन कर रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, ये इसने जो चार लोअर हाई मेंटेन किए हैं और हायर हाई मेंटेन किया है वो काफ़ी पावरफुल है। लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ तो ये जो चेन चली हुई है शेयर की वो ब्रेक हो जाएगी और जैसे ये ब्रेक होगी यहाँ पर गिरावट के चांसेस बनने वाले हैं। ये देखो मतलब कह सकते ट्रेडिंग पैटर्न होता है कुछ इस तरीके से, जिसमें चैनल पैटर्न ब्रेक होने के बाद शेयर के अंदर गिरावट बनने के चांसेस बन जाएंगे। आई थिंक आपको मैंने काफ़ी हद तक कंपनी के टेक्निकल समझा दिए हैं। कंपनी का जो हाई है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक देखने को मिल जाता है, 400 तक का लेवल टच कर चुका है ये शेयर पुराने समय के हिसाब से, उसके बाद से सीधी गिरावट देखने को मिल जाती है। कंपनी देखो इतनी खास स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल कंपनी है, मॉडरेट कंपनी कह सकते हैं हम इसको, तो इसके अंदर रिस्क तो रहेगा। तो जो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते वो इस कंपनी से दूर रहे। प्लस मैं आपको ये कहूँगा इस कंपनी के अंदर जो इस बिजनेस है वो थोड़ा इतना खास अच्छा देखने को नहीं मिलता है। न्यूज़पेपर कंपनी पब्लिश करती है जो, और इस बिजनेस के अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, दैनिक भास्कर जैसा इस कंपनी का न्यूज़पेपर देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि न्यूज़पेपर ये कंपनी पब्लिश करती है, उसी के साथ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड इंटरनेट एंड मोबाइल इंटरेक्टिव सर्विसेज,
तो ये कंपनी न्यूज़पेपर के साथ साथ मोबाइल इंटरेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जो कि इसके लिए बहुत एम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना चला हुआ है, उस टाइम पर न्यूज़पेपर को कोई कमी पड़ना चाहेगा, इसलिए इस कंपनी की जो सेल है वो इतनी खास स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलती है। कंपनी के न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो दैनिक भास्कर देखने को मिल जाता है, जो कि हिंदी डेली होता है, दिव्या भास्कर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट गुजराती भी हो सकता है, और सृष्टा समाचार भी देखने को मिल जाते हैं, प्लस दिव्या मराठी देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी के न्यूज़पेपर हैं जो कि अलग अलग स्टेट में बटे हुए हैं। अगर बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की तो इतनी खास अच्छी नहीं है। मार्केट कैप की बात करें 2241 करोड़ तक का दिखाई दिया जाता है, प्राइस 126 का चला हुआ है। हालांकि अभी बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा महंगा नहीं है, ऑलमोस्ट 1.2x देखने को मिल जाता है। ROC कंपनी का इतना खास अच्छा देखने को नहीं मिलता है 10% तक का, जबकि ये लगभग 15% से ज़्यादा का होना चाहिए, और ROE कंपनी का लगभग 7.81% तक का है। ये काफ़ी कम देखने को मिल जाता है, लगभग 15% का हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अभी जो प्राइस है 126 का वो अंडर वैल्यूड मिल जाता है, क्योंकि देखो कंपनी गिर के अंडर वैल्यूड ही है, कंपनी की परफॉर्मेंस है वो कांस्टेंट है, कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कांस्टेंट जनरेट होता हुआ नजर आ जाता है ऑलमोस्ट, और उस कंपनी की सेल भी, लेकिन जो कंपनी की प्राइस है वो गिरती हुई नजर आ जाती है, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस कंपनी काम करती हुई नजर आने वाली है। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड यील्ड है 3.97% तक का, तो कंपनी काफ़ी हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर लेती है, ऑलमोस्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करें 62% तक का चला हुआ है। कर्जा बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के ऊपर, ऑलमोस्ट कहें तो डेप्ट जो है 200 करोड़ तक का रखा हुआ है, और जो रिजर्व है 1600 करोड़ तक के रखे हुए हैं। देखो कंपनी ठीक है, नॉर्मल कंपनी है, लेकिन आपको मैं ये कहूँगा इस कंपनी में अब इन फ्यूचर में आपको इतना मोमेंटम नहीं बनेगा। टेक्निकली मोमेंटम बनाए वो बातें अलग है, जिसमें ग्रोथ कर भी सकती है, क्योंकि कंपनी की अभी वैल्यू है कि आगे और बढ़ सकती है, 100% तक ग्रोथ दे सकती है, 200% तक भी दे सकती है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस चल रही है उस हिसाब से इसमें लंबे समय तक के लिए फील्डिंग करना ठीक नहीं रहने वाला है। इंडस्ट्री पी 16 तक का देखने को मिल जाता है, प्रमोटर होल्डिंग 72% तक की चली हुई है। थोड़ा नीचे अगर आप जाओगे तो देखोगे यहाँ पर जो कंपनी की परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे तो लेटेस्ट क्वार्टर में 538 करोड़ की देखने को मिल जाती है, जो कि जस्ट पिछले क्वार्टर में यानी देखे तो लगभग 494 करोड़ की देखने को मिली थी। और अगर बात करें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो लो जो लगभग कंपनी की डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 447 करोड़ से बढ़ के कंपनी की सेल लगभग 538 करोड़ हो जाती है, जो कि कुछ खास इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है। उससे पिछले ईयर की बात करें तो लगभग देखो कि 340 करोड़ की, उससे पहले की अगर बात करें तो लगभग देखो कि ऑलमोस्ट एक सेकंड पीछे जाते हैं तो लगभग 531 करोड़ तक की। तो हम ये कह सकते हैं 2019 के सितंबर क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर रही थी इस वाले क्वार्टर के हिसाब से। और कंपनी के प्रॉफिट को अगर जनरेट किया जाए, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एनालाइज किया जाए तो देखोगे अभी करंट में लगभग 90 करोड़ का देखने को मिल जाता है, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो बढ़ चुका है ऑलमोस्ट 68 करोड़ से बढ़ के 90 करोड़ हो जाता है। यहाँ पर कंपनी का OPM भी बढ़ा है, 14% से 17% हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से डिफरेंस देखें तो 101 करोड़ तक कंपनी ने पहले प्रॉफिट जनरेट किया था, जहां पर कंपनी का OPM 23% था। उससे पहले की अगर बात करें तो लगभग 21% तक कंपनी ने OPM जनरेट किया है। और अगर उससे भी पहले की बात करें यानी 2019 के पीरियड की बात करें तो जो OPM है लगभग 19% तक करा है। तो अभी के टाइम पर लगभग 3-4 सालों के अंदर कंपनी का जो OPM है सबसे लो पर देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। यानी कंपनी सेल इतना कम कर पा रही है, ऑलरेडी कम कर पा रही है, और यहाँ पर कंपनी का OPM भी कम हो रहा है, मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट को कम कर रही है सेल को बढ़ाने के लिए, बट वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। नेट प्रॉफिट को अगर देखा जाए तो देखो कि यहाँ पर वही सीन यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, 49 करोड़ का अभी लेटेस्ट में देखने को मिला, जो कि उससे पिछले साल के सेम क्वार्टर में 50 करोड़ था, और उससे पहले की बात करें 29 करोड़ था, और उससे पहले की बात करें 76 करोड़ तक का देखने को मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं 2019 की जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो मस्ट बेटर थी इस कंपनी के अभी के रेट पर। तो हम ये कह सकते हैं कंपनी की जो 2019 की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर थी इसके परफॉर्मेंस, तो हम ये कह सकते हैं 2019 की जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो काफ़ी बेटर रही है इस वाले परफॉर्मेंस के हिसाब से। ईयरली के हिसाब से अगर बात करें तो देखोगे यहाँ पर आपको देखिए 2011 के पीरियड में जो कंपनी की सेल थी ओवरऑल 1260 करोड़ तक की देखने को मिली थी, फिर 2012 में लगभग 1400, फिर 1500, 1800, 2000, 2000, 2200, 2300, 2400, 2200। अब देखना अब यहाँ से 2019 तक सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, 1200 करोड़ से 2400 करोड़ होना यानी 100% की ग्रोथ कितने सालों के अंदर, 11 से 19 सालों के अंदर, यानी 8 साल के डिफरेंस में कंपनी ने 100% तक अपनी सेल को डबल कर लिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो 2400 के बाद सीधा देखना, फिर 2200, 1500, 1700, 2000, तो अब कॉन्स्टेंट है, बीते 3-4 सालों में कॉन्स्टेंट रेट पर कंपनी की सेल चल रही है, जो कि इतनी खास परफॉर्मेंस वाली नहीं है। तो इन फ्यूचर में हम इस कंपनी से ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, बल्कि गिरावट की जो उम्मीद है इसे लगा सकते हैं। आई थिंक आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। बेसिक पॉइंट ये कहूँगा कि 10 साल तक के लिए, 5 साल तक के लिए होल्डिंग करना इस कंपनी के अंदर बेटर परफॉर्मेंस नहीं रहने वाली है। थोड़ा नीचे अगर आप जाओगे तो कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट जो रेंज है एवरेज रेंज है 450 करोड़ तक की नजर आ जाती है। पुराने समय के हिसाब से देखा जाए तो 400 करोड़ यहाँ पर जनरेट किया था, फिर 300, 380, 500, 560 और लगभग 538, 600 भी कर दिया, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 550, फिर अगेन 500। बट उसके बाद 2019 का पेड़ था 500 तक का, ठीक है, अच्छा कर रही थी, लगभग 500 एवरेज निकाल रही थी। लेकिन उसके बाद देखो 484, 300, 300, 300, 500 की रेंज को तोड़ के कंपनी 300 के रेंज पर आ जाती है। तो अगेन ये भी चीज़ आपको नजर आ रही होगी, सारी चीज़ें मैं आपको दोबारा बताऊं क्या फ़ायदा, उसमें आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा। बैलेंस शीट को भी देखा जाए तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है और जिसमें जो कंपनी की बोरिंग है वो बढ़ रही है,
लगभग देखोगे 199 करोड़ से 202 करोड़ हो जाती है। हालांकि उससे पहले देखे 45 करोड़ थी, 50 करोड़ थी, 50 करोड़ से 200 करोड़, यानी 4 गुना तक का डिफरेंस। रिजर्व की बात करें तो वो इतना खास मेंटेन पर नहीं है, तो हम ये कह सकते ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी खराब देखने को मिल जाती है। देखोगे यहाँ पर जो 2018 में लगभग जो कंपनी का रिजर्व था 1750-1600 देखने को मिल रहा था 19 तक, उसके बाद देखोगे 1500-1600-1700 रेंज टूट नहीं रही है, उतने रेंज पर देखने को मिल जाती है। कैश फ्लो भी कंपनी का नेगेटिव देखने को मिल जाता है, रेशोस कंपनी के काफी खराब देखने को मिल जाते हैं, डेज पेबल भी कंपनी का कहीं ना कहीं ठीक है, ये ठीक देखने को मिल जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग 72% तक है, हाँ इतना जरूर है कि अभी भी प्रोमोटर कस के इस कंपनी को पकड़ के रखे हुए हैं। FI की अगर बात करें तो 12.97% तक की होल्डिंग देखने को मिल जाती है, हालांकि ये पहले 17% तक की थी। तो जो FI है वो कम तो हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी कम कम रेशो में कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर देखो जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहे हैं वो कम भी हो सकते हैं, ऐसा उम्मीद मत रखना कि कम FI के अंदर ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि कम होते हुए नजर आ रहे हैं। DI की अगर बात करें तो 4% तक की होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें तो 7% से आज 10% है, हालांकि पिछले क्वार्टर में 12% थे ये, तो ये चीज़ें ठीक देखने को मिल जाती हैं। ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगा टाइटली होल्डिंग अभी के टाइम पर करें, जो लोग इस कंपनी में लॉस करवा के बैठे हैं और जो लोग इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो होल्डिंग करके रख सकते हो, और प्लस इसके अंदर मोमेंटम बन सकते हैं अगर ये कंपनी अपने लोअर हाई को मेंटेन करके रखती है। लेकिन इसका जो लोअर हाई है वो ब्रेक हो जाता है तो गिरावट के चांसेस बन जाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, राधे राधे।